नहीं, दंगा नहीं चलेगा, इसलिए हमने कौरव नहीं चुने थे, पांडव चुने थे। इसलिए यह शौर्य और बलिदान का और स्मारक आज मुझे और आपको एक चुनौती में प्रश्न देकर जाता है कि दुनिया तालिबानाइजेशन से गवर्नेंस चाहेगी या वह शांति से, सद्भाव से, भाईचारे से, प्यार से, शिक्षा, संस्कार और विकास से गवर्नेंस चाहेगी। चयन करना ही होगा और दुनिया कर रही है। मैं मुस्लिम कार्यक्रम में था, महिलाओं के रक्षाबंधन में, जयपुर, लखनऊ और काशी, हजारों बहनें रक्षा राखी बांधने आई थी। तो उस समय मैंने पूछा था, आपको वो मुसलमान और इस्लाम चाहिए जो तालिबानाइजेशन है, या आपको वो इस्लाम और मुसलमान चाहिए जो अमन, सलामती, सद्भाव के रसूल के रास्ते पर? महिलाओं ने एक स्वर में कहा, तालिबानाइजेशन ऑफ इस्लाम, नो नो नो। और उन्होंने कहा, हम तो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अमन, सलामती चाहते हैं। मैं इन बातों को उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ जो मैं लेता रहता हूँ, और इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आज पूरा विश्व खोज रहा है। जिसने झिझक गया, गोलमोल हुआ, वो पापी और अपराधी हो जाएगा। जो सत्य और सही को कहने की हिम्मत करेगा, वह और श्रेष्ठ भारतीय और मानव हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यह शौर्य और बलिदान का प्रतीक मांग रहा है, और हम देंगे, दे रहे हैं और दे दिया है। इस रूप में भी यह दिन स्मरण किया जाए। इसी के साथ साथ एक छोटी सी और अंतिम बात कहूँगा। पूरे विश्व से मीडिया एक प्रश्न करे कि उस देश का नाम लीजिए, उस समाज का नाम लीजिए, उस सभ्यता और संस्कृति का नाम लीजिए जहाँ सब धर्मों को स्वीकार भी किया जाता है और सम्मान भी किया जाता है। मैं दावे से कह सकता हूँ, हर जागरूक नागरिक भारत, भारतीय और भारतीयता लिखेगा। उसके बाद दुनिया के हर इंसान की कलम रुक जाएगी, दूसरा कौन सा लिखे? क्या अमरीका अमरीकन लिखें? क्या ब्रिटेन ब्रिटिश लिखें? क्या अरब अरबी लिखें? क्या तुर्किस्तान तुर्की लिखें? क्या चीन और चीनी लिखें? क्या रूस और रशियन लिखें? दोस्तों, किसी के पास दूसरा ना था, ना है और ना अभी कोई संभावना है। फिर इस भारत को कोई कॉमनल कह दे, सांप्रदायिक कह दे, कट्टरपंथी कह दे, दम घुट रहा है, समझ लेना चाहिए आदमी श्रद्धांजलि योग्य है पर जीवित है, इसलिए श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। इसलिए इस भारत को ये बलिदान समझाने में मदद करते हैं, यह बलिदान इस भारत को बताने का काम करते हैं। इसलिए जब बाबर खड़ा था तो राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती भी बाबर को सबक सिखाने के लिए खड़ा था। हल्दी घाटी में जब अकबर खड़ा था, राणा प्रताप के साथ हाकिम खान सूर भी खड़ा था अपने देश और धर्म की रक्षा करने के। इसी प्रकार से आगरा की जेल के अंदर जब छत्रपति शिवाजी बंदी थे, उनके साथ जहाँ तानाजी मालसूरे महाराष्ट्र में खड़े थे, वहाँ पर उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मदारी जो मुस्लिम था वो भी खड़ा था उनको छुड़वाने के लिए, जो निकला कर ले गया। जिस समय फिरंगी मारो, देश बचाओ, आज़ादी लाओ का उद्घोष करने के लिए झांसी वो बुलंद कर रही थी आवाज़ को, उस समय उनके साथ गोश खां भी खड़ा था और खुदा बख्श भी खड़ा था, जिन्होंने फिरंगी को कहा था, जब तक वो जिंदा हैं आप रानी साहिबा और माँ साहिबा का तन नहीं छू सकेंगे, इसलिए गलत फहमी में रहिए। वो दिन हमारे बलिदान पर से आएगा जब आधी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर होगी। इसलिए इस भारत को समझना, जब आज़ाद हिंद फौज के रूप में रंगून से जय हिंद का नारा लगाया था, वो जय हिंद के इनकलाबी नारे को देने के लिए कैप्टन आबिद हसन ने जो दिया था, कहते हैं गिवन बाय कैप्टन आबिद हसन पर गिवन टू द वर्ल्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसलिए इस भारत को संजोना, अलगाववादियों, सांप्रदायिकवादियों, उन्मादियों, कट्टरपंथियों, हिंसा से भारत नहीं चलाया जा सकता, न चलेगा। यह हमेशा सद्भाव से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, और इसलिए
भारत सरकार अगर कहती है सबका साथ और सबका विकास, सबका प्रयास और सबको का विश्वास, तो जो इस पर शक करे वो मूर्ख है, जो इस पर भरोसा करे वो भारतीय है और सच्चा नागरिक है। और इस प्रकार से यह शौर्य और बलिदान का प्रतीक, इस सबक को जन जन में हम पहुंचाएंगे और छुआछूत मुक्त, नारी पर अत्याचार से मुक्त, देश प्रेम से ओतप्रोत और मजहबों के नाम पर दंगों से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त, पर्यावरण युक्त, जो गरीब दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल है उसकी मदद के लिए हर हाथ बढ़ेगा। आइए इन सब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प करें, हम बनेंगे, भारत को बनाएंगे और विश्व को सजाएंगे। हमने संकट में भी सजाया है और हम जब संकट से बाहर हैं तो भी सजाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जगत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा है कि एक सूचना दे देता हूँ, हमने 25 साल पहले सिंधु यात्रा को जन्म दिया। अनेक संकटों में से निकलते निकलते जो 225 किलोमीटर सिंधु लद्दाख भारत में बहता है, अब उसके किनारे पर विश्व का सबसे ऊंचाई पर सिंधु तीर्थ जन्म लेके स्थापित है। हर साल जून के अंदर ऑर्गेनाइज कार्यक्रम होता है, वर्ष भर कार्यक्रमों की श्रृंखला वहाँ चलती रहती है, दुनिया और देश के नागरिक आते हैं। इसलिए एक नए तीर्थ का प्रतिष्ठा इस समय के अंदर और इस युग में हो गई है, सिंधु तीर्थ। उसी के साथ सिंधु भवन बनाए, ऐसे ही सेलुलर जेल देश प्रेम का, देश बलिदान का, देशभक्ति का अद्वितीय स्मारक है। वहाँ पर भी इतिहास की, जहाँ बलिदान और शौर्य, संघर्ष और अत्याचारों की कथा थी, वहाँ एक कथा थी 30 दिसंबर 1947 आज़ाद हिंदुस्तान का पहला ध्वज लहराया गया था और वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लहराया था। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े सहज सरल शब्दों में कहा था, भारत को एक पहले भी प्रधानमंत्री मिला था। दुर्भाग्य से इतिहास ने जो करवट ली वो कुछ और हो गए, और वहाँ पर तिरंगा लहराकर उन्होंने भी उसको स्थायी स्मारक में बदलने का काम किया है। फैंस पिछले कुछ वर्षों से शहीद स्वराज द्वीप समूह नमन यात्रा का आयोजन करती है, उसमें उनको दो सफलताएं मिल गई। अंग्रेज अत्याचारियों पर जो वहाँ के और आइलैंड्स के नाम हैं, उनमें से 3 आइलैंड के नाम स्वयं प्रधानमंत्री ने घोषित करके परिवर्तन किए। एक को सुभाष आइलैंड कहा, एक को शहीद आइलैंड कहा और एक को और स्वराज आइलैंड कहा, जो कि नील आदि के नाम पर थे जो अत्याचारी शासक। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक संकल्प किया, आन बान शान का तिरंगा उस शहीद स्मारक पर 24 घंटे वर्ष भर लहराता रहे, और इसलिए चयन हुआ उस स्थान का, आज वहाँ वो लहराता है। इसलिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिसको दुनिया के 17 देशों ने मान्यता दी, 23 देशों में जिसके राजदूत घोषित हुए, जिसका बैंक बना, करेंसी बनी, झंडा बना, राष्ट्रगान बना और सर फौज का नाम था स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद फौज, और सरकार का नाम था स्वतंत्र भारत की प्रथम आज़ाद हिंद सरकार। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल फैंस यह यात्रा घोषित चलाता है। 29 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं, 30, 31, 1 को कार्यक्रम करके 2 को वापस आते हैं। आप सबको भी मेरा निवेदन है, इस महान यात्रा के साक्षी बनिए
मीडिया के लोग जन जन तक ले जाने के लिए साक्षी बने, समाज उससे प्रेरणा लेकर जन जन में प्रेरणा लेने का साक्षी बने और प्रत्यक्ष उदाहरण बने, प्रत्यक्ष भागीदार बने। शहीद स्वराज द्वीप समूह नमन यात्रा 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलो पोर्ट ब्लेयर यानी शहीद स्वराज सुहास द्वीप समूह की ओर, इसका निमंत्रण है, आप स्वीकार करिए और आइए। तो इस प्रकार का आप सबसे आग्रह है। यह सूचना मुझे पीछे से कान में फूंक मारी, अब पीछे से एक्टर को डायरेक्टर कुछ कहे तो मानना ही पड़ता है। अब चाहे सच कुछ और होगा, मैं डायरेक्टर हूँ, एक्टर वो होंगे, पर इस समय मैं रोल प्ले कर रहा था, उनको अपना कर्म ध्यान में आ गया, इसलिए उन्होंने अपने कर्म की जागरूकता दिखाई, इसके लिए उनको बधाई हो। बहुत 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 श्रद्धांजलि, बहुत बहुत नमन, आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय।